स्थिति है। चिकित्सा व्यवस्था की हालात बहुत नाजुक है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, वहां मौजूद कई लोगों ने कहा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, हम सभी के जीवन में चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और चिकित्सा को लेकर हर व्यक्ति बहुत ही गंभीर होता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में चिकित्सा और स्वास्थ्य आम आदमी के लिए लगभग असंभव हो जाता है। और बात अगर ग्रामीणों की करें तो वहाँ स्थिति और भी विकट हो जाती है। चुनाव के दौरान हमारे और आपके दरवाजे पर तमाम तरह के नेता आते हैं, कोई खुद को विकास पुरुष कहता है, कोई खुद को गरीबों का मसीहा कहता है, कोई खुद को दलित पिछड़ों का एकमात्र कल्याणकर्ता मान लेता है। कुछ इस तरीके से ही नेतागण लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है, वही स्थिति लगातार बरकरार रहती है। जी हाँ साथियों, आज हम गए थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद, जहां पर जाकर के मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया और देखा कि वहां क्या स्थिति है। चिकित्सा व्यवस्था की हालात बहुत नाजुक है, प्रॉपर ढंग से कोई भी काम ठीक ठाक हो नहीं रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, वहां मौजूद कई लोगों ने कहा है। जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट कवर किया है उसको आप देखिए और देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर व्यक्त करिएगा और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे पूरा कहानी क्या है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, इस समय हम खड़े हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पलामू। यहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है और लोगों को किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, साथ ही साथ इस स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ ग्रामीण गुट के साथ खड़े हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि इन लोगों का आखिर क्या मामला है। सर, आप लोगों का क्या मामला है और आप लोग कई दिनों से देख रहा हूँ कि अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं ग्रुप में, तो क्या बात है, क्या पूरा मामला बताएंगे आप? हमारे यहाँ बच्चे और महिलाएं, गर्भवती महिलाएं छूट जाती हैं। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कौन से गांव से हैं, कौन से पंचायत से हैं? मेरा नाम राम प्रवेश जी हुआ, मेरा घर कचरा हुआ, पंचायत कुर्मीपुर, थाना हुसैनाबाद। हमारी समस्या है कि हम लोग आज लगातार 4 महीना से हॉस्पिटल में आ रहे हैं, प्रभारी सर से मिल रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ, हम आपको NM के द्वारा सुविधा देंगे, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ सुविधा नहीं मुहैया कराई गई। लेकिन अभी फिर मैंने मिला तो बोले कि ठीक है, चौथे गुरुवार को मैडम जाएगी, उनसे बात हुई कि वह जाएंगे और हम लोग को सुविधा प्रदान करेंगे। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे गांव में जाकर बच्चों को और महिलाओं को सुविधा प्रदान करें। हम लोग इसी के गांव में, हाँ, मेरा गांव कचरा टोला चोरी है, चोरी में हम लोग सुविधा चाह रहे हैं। तो अभी तक जो 4 महीने से आप लगातार पदाधिकारी के पीछे पीछे हैं, संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनसे क्या रिस्पांस मिला है और कहां तक आप संतुष्ट हैं उससे? हम CS सर भी गए थे, CS सर MSM के द्वारा प्रभारी सर को भेज दिए हैं। प्रभारी अभी कौन है यहां पे? रत्नेश कुमार सर हैं, चिकित्सा प्रभारी रत्नेश जी हैं, है ना? सर, इस संबंध में आप लोगों का क्या कहना है, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था है और आप लोगों का जो ग्रामीणों का समस्या है उसके बारे में क्या कहिएगा? हम लोग ग्राम कचरा टोला चोरी के निवासी हैं, नंद कुमार मेहता नाम है, और हम लोग को आज 4 महीना से हम लोग परेशान हैं इसी काम के लिए, जो कि हमारे यहाँ डॉक्टर जो जाती है कचरा पंचायत में लेडीज, वो हम लोग के यहाँ नहीं पहुँचती है और हम लोग के वहाँ बच्चों को जाने के लिए रास्ता का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आने जाने के लिए, इसलिए हम लोग को प्रयास है कि डॉक्टर को यहाँ चोरी में भेजने का प्रयास किया जाए, इसी के लिए हम लोग प्रभारी जी फिर अपना प्रश्न रखे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मेरा नाम अजय मेहता है, ग्राम कचरा टोला चोरी है, वहाँ पे बहुत दिन से हम लोग प्रयास किए कि डॉक्टर आए और बच्चे लोग को सुई दवाई करें, लेकिन वहाँ रास्ता दूरी है, रास्ता से जाने के बाद भी वहाँ इंजेक्शन नहीं पड़ पाता है, ऐसी लेडीज घूम के चली आती है। हाँ, सबसे समस्या बहुत बड़ा है, हमारे गांव में भेजा जाए डॉक्टर को, एक दिन का टाइम दिया जाए। तो ये था चोरही, जो कि चोरही एक टोला है कचरा गांव में जी। और उस गांव की समस्या थी जिनके लोगों से मैंने अभी बात की। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ इलाज कराने या अन्य कारणों से या करवाने आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ इलाज करवाने आए हैं क्या? नहीं, स्टाफ है? नहीं, पर्ची जमा करने आए हैं। अच्छा अच्छा, और आप भी पर्ची जमा करने आए हैं? साथ में। ओके ओके ओके, आप यहाँ इलाज करवाने आए हैं क्या? हाँ सर, बीपी का था।
18 वाला दिए थे और इसके बाद जो है से फिर कहेंगे 2 दिन के बाद, अब अभी तक मिलने नहीं। चिकित्सा व्यवस्था मतलब लचर है, यही कहना चाहते हैं ना? कहा एकदम से समझिए कि चिट्ठी की जमा किए हुए। आप सर यहाँ के अधिकारी हैं या फिर पेशेंट है इलाज करवाने हैं? नहीं, पेशेंट है, ऐसी है। अच्छा अच्छा सर, यहाँ का व्यवस्था के बारे में जो लोगों का शिकायत है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, आपका कुछ राय होगा ना सर? ठीक है, जो हो रहा है क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बताना चाहूंगा कि ये वही रत्नेश कुमार जी हैं जो कि हुसैनाबाद में चिकित्सा प्रभारी का पद संभालने के बाद उनसे पूर्व चिकित्सा प्रभारी के पद पर काम कर रहे मान्यवर संजय रवि जी के द्वारा इस्तेमाल किए गए चीज़ों का अव्यवस्थित ढंग से चैम्बर से बाहर कर दिए थे और उसके बाद गंगा जल से चैम्बर का शुद्धिकरण का भी उन पर आरोप लगा था। उस संबंध में जो आधिकारिक दस्तावेज हैं वो आपके स्क्रीन पे है, आप उसे पढ़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। साथियों, मैं बताता चलूं कि अभी मैंने उनसे संपर्क नहीं साधा है कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। मैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूं और जल्द ही उनका भी पक्ष आपके सामने रखूंगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।